एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सहदेव वाल्मीकि स्वागत है आपका। और अभी हम पहुंच चुके हैं गुड़िया रोड पे, जो कि हमारे भाई साहब है राम अवतार जी चार। तो इनके घर के अंदर एक कोबरा सांप शायद देखा गया, इन्होंने फुंकार वगैरह सुनी है। तो हमारा जायजा यही है कि यहाँ लगभग कोबरा सांप हो सकता है। तो अभी इसका हम जायजा करते हैं और इसको निकाल के हमारी वीडियो में अंत तक जुड़ रहे, ताकि इसके बारे में हम आपको पूरी इसके बारे में जानकारी दे सके। तो दिखाते हैं दोस्तों, देखते हैं कौन सा सांप यहाँ मिलता है। ईंट दे लागे देखो पहले यहां अब लड़की बन के नहीं जलते रहे हो ना करने रुका रहो पंकज डर हो के अच्छी वीडियो छोड़ रखे हैं ने अच्छा मैं करूं का पड़े इंसा दे गयो कर तो लकड़ा में गया ध्यान तो रख थोड़ा रेस्ट करे वो। सुंकर वे कसुती सुंकर बज जाएगी मार तो बिलियो सुसाओ बिलियो सुसाओ कसुतो सुसाओ मत ही बैटरी चक्री मंगा हाथ में पकड़ ले पनेरा थोड़ा ही ना आते ना कहीं मैं तुम्हें इतना क्या ना डरो देखिए भाई जी देखिए कौन पक्की पर आवाज ही तो ठीक है यार सुनकर बहुत तकड़ी है यार अरे हैं और ये आई कैन जूम भाई हां कोई बात नहीं यू कैन सोचिए आप थोड़ा नजदीक ले तो देखिए दोस्तों ये एक कोबरा सांप है इंडियन सेप्टिकल कोबरा कोबरा प्योर हां जी तो देखिए दोस्तों इसको मैं बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इसकी फुंकार शायद आपको सुनाई दे रही हो भाई मान तो पक गया यार रखते रहते देखिए दोस्तों ये एक ब्राउन कोबरा सांप है, ये छोटा ब्लैक कोबरा का शायद बच्चा है। तो अभी इसको मैं बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, तो जुड़े रहे हमारी वीडियो में। फुंकरी बंद हो गई दिखे यार फुंकर फांकर की कोनी है ओए किड हो गई दिखे कोबरा एक बहुत जहरीला सांप है वो जहरीला है लंबा चौड़ मोटा डंगा के वो भी अंतर है गुड़िया लेडीज ने खाए तो नहीं हां हां सेम वही सांप है वही है क्यों वही है हां हां नीचे ना उड़ जे भाई जी बिल मोटो पन्ना नानी बाजी जे कौन थारू तो मैं कर पन्ना उड़ जे बठे दिखा देगा अब ले आ जाएगा थाने मने लगा और बिल मोटो है छोटी तुम पानी गिर के निकल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं गर्मी तो आ रही तो आ गया तो देखिए दोस्तों ये एक इंडियन कोबरा सांप है। तो देखिए काफी विशाल सांप है, अगर ऐसा सांप इंसान को बाइट कर जाए तो इंसान की मौत निश्चित है अगर वक्त पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। भाई साहब गजब रुतबा है कदन गुस्सा तकड़ो गुस्सा है भाई जी पर नहीं राखियो कृपा करके तो देखिए दोस्तों काफी गुस्से में है, ये हम पे अटैक भी कर सकता है। मेरे बैग उठा लियो ठीक है
भाजी मैं थोड़ा सा तो देखिए दोस्तों, ये एक खतरनाक सांप है। अगर ऐसा सांप इंसान को बाइट कर जाए तो आप किसी झाड़पुंख के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि अगर आप झाड़पुंख के चक्करों में अपना वक्त जाया करोगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। देखिए, अगर ऐसा सांप बाइट करता है तो लगभग 45 मिनट या एक घंटे के अंदर इंसान के पूरी बॉडी में इसका विष फैल जाता है। उसी के चलते इंसान को हार्ट अटैक की वजह से मौत भी हो सकती है। तो जब भी ऐसा सांप आपको बाइट करे तो आप झाड़पुंख के चक्करों में ना पड़े, और आपके नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि वहाँ एंटीवेनम मिल जाती है जिसके चलते इंसान की जान बचाई जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, एक साल पहले भी यहाँ गुड़िया गांव में एक हादसा हो गया था। कोबरा बाइट हुई थी एक लेडीज़ को, तो उनकी मौत हो गई थी। तो इसी कारण मौत हुई थी क्योंकि उन्होंने झाड़पुंख के चक्करों में अपना वक्त जाया दिया था, तो उसी के चलते उनकी मौत हो गई थी। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सांपों को आप मारें ना, और हम भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी हमारी वीडियो के माध्यम से इन जीवों को अधिक से अधिक बचाएं, ताकि रुकियो एक छोड़ दो, सही तरीका पकड़ो भाई जी, यहाँ तो बाइट नहीं कर सके। अब सही है। तो देखिए दोस्तों, इसको हैंडल कर लिया पूरी तरह। तो इसके दांत वगैरह थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, बारीक सी करके ले लीजिए। हाँ, इनका दांत दिखा देता हूँ मैं जी का जो बाइट करा है। तो देखिए दोस्तों, इसको हमें परेशान करने का तो कोई इरादा नहीं है, बाकी आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसके दांत वगैरह दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसके जो ऊपर वाले दो दांत है तो इन्हीं में से विष निकलता है। तो आपको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये ऊपर वाले जो दो दांत है इसके बहुत ही ब्रीक दांत होते हैं। तो देखिए, इनमें से विष निकल रहा है। तो देखिए, जिस प्रकार येलो कलर में यानी सेहत होता है, उसी प्रकार इसका विष होता है। देखिए, इसके बहुत ही नुकीले दांत है। जिस प्रकार यानी बेरी का कांटा होता है, उसी प्रकार के दांत है, छोटे छोटे ब्रीक। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा सांप बाइट करता है तो दो निशान बनेंगे ऊपर की तरफ और नीचे यू टाइप का दांतों का निशान, क्योंकि इसके नीचे भी छोटे छोटे ब्रीक दांत होते हैं। तो देखिए, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये छोटे छोटे ब्रीक दांत है इसके, आरी का ब्लेड होता है, उसी प्रकार नीचे के छोटे छोटे दांत होते हैं, और ऊपर का जो दो दांत है ये विष वाले दांत है। तो इन्हीं से इंसान को ये बाइट करता है और चूहे वगैरह जो इनको अपना शिकार बना लेता है। तो दोस्तों, अभी मैं इसको डिब्बे में पैक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको मैं डिब्बे में पैक कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने डिब्बे में पैक कर दिया। और हमारी वीडियो देख के आप हमारी कॉपी ना करें, क्योंकि एक एक्सपर्ट का काम है। अगर आप हमारी कॉपी करोगे तो आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा यूट्यूब चैनल नाम से उसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से इन जीवों के बारे में आपको अधिक जानकारी मिल सके, और आप भी हमारी वीडियो के माध्यम से इन जीवों को अधिक से अधिक जा सको। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।